जनता पर महंगाई की एक और मार। लोहिया हॉस्पिटल में इलाज करवाने जाने पर आपको सिर्फ 1 रुपए का पर्चा बन जाता था और मुफ्त में दवाएं और कुछ जांचें हो जाती थी, जिससे आम आदमी को बड़ी राहत मिलती थी। बीमारी का इलाज भी समय पर हो जाता था। लेकिन अभी सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं और सरकार ने एक बड़ा तोहफा लोहिया में इलाज कराने वाले मरीजों को दे दिया है। 1 रुपए का पर्चा अब वहाँ पर 100 रुपए का बनेगा और जो दवाएं वहाँ पे मुफ्त में मिलती थी वो अब पैसे देकर ही मिलेंगी। उसके बाद जो जांचें फ्री में होती थी वो जांचों के लिए भी चार्ज लिया जाएगा। इस बात को लेकर हमने कांग्रेस प्रवक्ता संजय सिंह से बात की, तो देखते हैं आइए उन्होंने क्या कहा। कहते हैं विपक्ष का होना बहुत जरूरी होता है, वरना जो सरकारें होती वो निरंकुश हो जाती हैं। अभी हाल ही में कल ही एक घोषणा हुई कि लोहिया में जो 1 रुपए का पर्चा बनता था 100 रुपए का बनेगा, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आपने जो सवाल किया है उसमें विपक्ष का होना जरूरी बताया है, मगर उप मुख्यमंत्री उनका ये कहना है कि कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई है कि उसे सवाल पूछने का हक नहीं। सारी लड़ाई इस बात पर आकर टिक गई है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेती है तो उसके बाद जो भी जन कल्याण के फैसले हैं वो जन विरोधी फैसले लेती रहती है और उसको जोड़ देती है वो जीत और हार पे, जबकि जनता इन्हें वोट देती है जन कल्याण के लिए। और जब जन कल्याण करने की बारी आती है तो चुनाव जीतने के बाद, चाहे वो बिजली का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, लगातार इन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य पे बजट कम किया। अब स्वास्थ्य में लोगों के इलाज से संबंधित, लोगों के लिए दवाएं जो मुफ्त मिलनी चाहिए, जो जांचें होनी चाहिए, सरकार ने फैसला लिया है कि अब वो मुफ्त नहीं मिलेगी। ये नुकसानदेह है। 135 करोड़ आबादी का देश है भारत, यहाँ पे आज भी, ये सरकार के आंकड़े हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं विदेशों में जाकर कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन बांट रहे हैं। हम इस बात पर ताली बजाएं या दुख जाहिर करें, ये बड़ा सोचनीय विषय है। जहाँ 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे टिके हुए हैं, वहाँ पे वो कैसे अपना इलाज के लिए पैसा दे सकते हैं, अपने इलाज में जांच कराने के लिए कैसे पैसा दे सकते हैं? सरकार कोई भी फैसले जो ले रही है वो इस चिंता से अलग कि जनता का क्या होगा, जन विरोधी फैसले लेती जा रही है। अपने उद्योगपति दोस्तों को भला करने के लिए उनके पास पैसे रहते हैं, लेकिन जब जनता के कल्याण की बात होती है, जनता की शिक्षा की बात होती है, जनता के इलाज की बात होती है, जनता के जो मौलिक अधिकार हैं उस पर जो पैसा खर्च करने की बात होती है, तो सरकार अपनी गरीबी की बात करने लगती है। ज़्यादा से ज़्यादा उसे कहाँ से पैसे आएंगे? देखिए, अभी दूध पे, पनीर पे, हर चीज़ पे टैक्स लगा दिया, आटे पे टैक्स लगा दिया, खाने पीने पे टैक्स, कापी किताबों पे टैक्स, और अब जो हमारे सरकारी अस्पताल है वहाँ पे हर चीज़ जो है अब वहाँ पे बिक्री के लिए उपलब्ध होगी। ये सरकार ने शुरू में ही मनसा व्यक्त की थी, उसी दिशा में बढ़ रही है। और ये एक तानाशाही सरकार है, जनता ये सोचे कि सरकार अपने फैसले पलटेगी, तो ये सरकार फैसला नहीं पलटने वाली है। जनता को इस सरकार को ही पलटना होगा, तभी जाके कुछ परिवर्तन आएगा, कुछ जन कल्याण की बातें होंगी, कुछ जन कल्याण के लिए फैसले होंगे। जी, निजीकरण को जिस तरह से वो बढ़ावा लगातार दे रहे हैं, इससे आम जनता को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आप इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? बहुत सारी चीज़ें आपने बता भी दी, लेकिन और किस नज़रिए से देख रहे हैं कि हॉस्पिटल को उससे बिल्कुल बाहर रखा जाना चाहिए आम लोगों के लिए? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी निजीकरण का पूरी तरह से विरोध नहीं करती है, निजीकरण होना चाहिए, लेकिन जो गरीब तबका है, गरीब मजदूर किसान, उनके लिए सरकारी व्यवस्था होती है और वो बनी रहनी चाहिए। और वो व्यवस्था निजीकरण में जो अस्पताल, जो प्राइवेट अस्पताल हैं, सरकारी अस्पतालों की हालत प्राइवेट अस्पतालों सी होनी चाहिए, उनके जैसी होनी चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि देश के गरीब तबके के लिए वैसी ही स्वास्थ्य व्यवस्था हो जैसे कि प्राइवेट अस्पतालों में होती है।
लेकिन ये सरकार हर चीज प्राइवेट कर देना चाहती है, निजीकरण कर देना चाहती है, प्राइवेट हाथों में दे देना चाहती है। ये सरकार केवल व्यापार करना जानती है, केवल टैक्स वसूलना जानती है, कहाँ से पैसा आएगा सरकार का केवल उसी तरफ ध्यान रहता है। लेकिन देश की 80% आबादी इससे, इस व्यवस्था से दूर है। लेकिन मैं बार बार कहूँगा कि वो 80% जो आबादी है, चुनाव के वक्त कहीं ना कहीं सरकार के मकड़ जाल में फंस जाती है और इन्हें वोट देती है। उस आबादी को सोचना होगा कि ये सरकार निजीकरण को बढ़ावा देने वाली सरकार, जब तक हम इसे हटाएंगे नहीं तब तक जो निजीकरण है ये होता जाएगा, नौकरी समाप्त होती जाएगी, पेंशन समाप्त होती जाएगी। और अगर इसे पुनः बहाली करनी है तो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती है, इसे हटाना ही होगा। देश के प्रधानमंत्री हैं जो लच्छेदार बातें करते हैं, उनकी भक्ति छोड़नी होगी और किसी नए शासक को लाना होगा, किसी नई सरकार को लाना होगा। और देश में कांग्रेस ने 70 सालों में सब कुछ दिया है, एक बार कांग्रेस पर पुनर्विचार करना होगा कि कांग्रेस की सरकार को पुनः लाएं और फिर जो व्यवस्था एक मिलती आ रही थी उस व्यवस्था को फिर पटरी पर लाया जाए। आप कह रहे हैं कि जन विरोधी इनकी जो भी योजनाएं चल जाती हैं लोगों को, आम लोग उसका विरोध नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए आप क्या रणनीति बना रहे हैं, आपकी सरकार क्या करेगी? मतलब आपकी सरकार है नहीं सत्ता में, लेकिन आपकी पार्टी क्या करेगी? देखिए, जब चुनाव आते हैं तो हम लोग उस वक्त कोशिश करते हैं कि चुनाव में जो खरीद फरोख्त होती है और जो क्षेत्र में जिस तरह की शराब और नॉनवेज की व्यवस्था जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग कार्यकर्ताओं के माध्यम से क्षेत्र में करते हैं, वहाँ हम लोग रोकने की कोशिश करते हैं। और उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा जी भी लगातार जनता को जागरूक करने का काम कर रही हैं, लगातार जनता के मुद्दों पर लड़ती रहती हैं, उन्हें जागरूक बनाती रहती हैं कि इनके प्रलोभन में मत फंसिए, क्योंकि इनकी नीतियाँ कल्याणकारी नहीं हैं। इनके प्रलोभन में फंसकर, इनको वोट देकर फिर बाद में आपको बहुत कठिनाई भरा जीवन जीना होगा, जो कि पिछले 8 सालों में जनता देख रही है, उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में देखा है कि डबल इंजन सरकार होने के बाद भी बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं लेकिन आम जनता तक सिर्फ 5 किलो राशन मिल पाता है, वो भी जब चुनाव आते हैं और चुनाव के चंद दिनों बाद तक, फिर उसके बाद वो भी बंद हो जाता है। और जनता अभी संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े आए हैं कि 20 करोड़ जनता भारत में वो रात में भूखे पेट सोती है, उत्तर प्रदेश उसमें अग्रणी है, उत्तर प्रदेश उसमें सबसे आगे है। यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता, यहाँ 23 करोड़ की आबादी है, देश में सबसे ज़्यादा रात में भूखा सोने वाले लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, बेरोजगारी यहाँ चरम पर है, पलायन यहाँ चरम पर है, दूसरे प्रदेशों में नौकरी खोजने जाते हैं लेकिन दूसरे प्रदेशों में वहाँ पे 80% नौकरियों में रिजर्वेशन, वहाँ मारे जाते हैं उत्तर प्रदेश के लोग, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तर प्रदेश को जिस प्रकार से बदलना चाहिए, उत्तर प्रदेश पिछले 32 सालों से वहीं का वहीं खड़ा है, जब से कांग्रेस की सरकार गई है यहाँ सरकारी उपक्रम बनना बंद हो गए हैं, यहाँ किसानों को जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, चाहे वो खेती में रोजगार का मामला हो, चाहे सरकारी उपक्रम में रोजगार का मामला हो। यहाँ जो कांग्रेस सरकार जब तक थी, तमाम यही लखनऊ में आप देख लीजिए, PGI है, UPDPL है, स्कूटर इंडिया, सब PGI चूँकि स्वास्थ्य व्यवस्था है, लेकिन स्कूटर इंडिया बंद हो गया एक समय, स्कूटर इंडिया ने इतने स्कूटर बेचे, टेम्पो बनाए, सब बंद होने की कगार पे है, जहाँ सरकारी रोजगार मिल सकते थे या रोजगार जहाँ क्रियान्वित हो सकते थे वो सब बंद हो चुके हैं। इसलिए ये डबल इंजन की सरकार या भाजपा की सरकार इस प्रलोभन में, और इनके जो धर्म की राजनीति है इससे बचना होगा, कल्याणकारी राजनीति की ओर ध्यान देना होगा। कांग्रेस का मतलब कल्याणकारी है, भारतीय जनता पार्टी ये भारत जलाओ पार्टी है, इसे हटाना होगा। आपने कहा है कि यदि योगी सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती तो आप सड़कों पे उतरेंगे, तो क्या लगता है आपको आपके सड़कों पे उतरने पर योगी सरकार अपना फैसला वापस ले सकती है? देखिए, एक तानाशाही सरकार है लेकिन कांग्रेस हर मुद्दे पर इस सरकार को, योगी सरकार को कांग्रेस ने हर मुद्दे पर घेरने का प्रयास किया है, घेरने का काम किया है, धरना प्रदर्शन जेल, पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा जेल कांग्रेसी कार्यकर्ता गए,
और आगे भी हम ये कार्य करते रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस एक विचारधारा की पार्टी है, जनता के लिए लड़ने वाली पार्टी है, जनता को जागरूक करने वाली पार्टी है और सरकार को घेरने वाली पार्टी है। और समय समय पर हमने आंदोलन किया है इस मुद्दे पर भी, जो सरकारी व्यवस्था में जब ये व्यापार भारतीय जनता पार्टी ने जो शुरू किया है, इसके लिए हम जल्दी ही रणनीति बना रहे हैं। और इसके लिए कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी नेतृत्व प्रियंका गांधी वाड्रा जी के नेतृत्व में और हमारे जो अभी हमारे पार्टी का उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष नहीं है, अगर वो आ गए तो हम उनके नेतृत्व में हम सड़कों पर उतरेंगे और इस सरकार को पूरी तरह से घेरने का काम करेंगे। जनता के बीच में जाएंगे, जनता को बताएंगे कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने जिस अच्छे दिनों का वादा किया था, क्या यही अच्छे दिन है? क्या शिक्षा और स्वास्थ्य में भी व्यापार ये अच्छे दिनों का काम है? कांग्रेस जो काम करती आ रही थी उसको इन्होंने पूरी तरह से, उस व्यवस्था को पूरी तरह से चौपट कर दिया है, जो जनकल्याणकारी जो नीतियाँ थी कांग्रेस की उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया है, जो संस्थान थे उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया है, अपने उद्योगपति मित्रों को